ICFRA का जो हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पे पोस्ट एडवर्टाइज हुई है कुछ, जो कि आपकी टेम्पोरेरी पोस्ट हैं। प्रोजेक्ट के अंदर ये पोस्ट हैं आपकी जूनियर रिसर्च फेलो की और प्रोजेक्ट असिस्टेंट की। ठीक है, इसमें जो पहली पोस्ट है वो आपकी जूनियर प्रोजेक्ट फेलो, और इसमें जो आपकी पोस्ट है वो है, एक पोस्ट एडवर्टाइज हुई है जो प्रोजेक्ट है आपका ये वाला, ये नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का ये प्रोजेक्ट है। 20,000 पर मंथ इनकी पे रहेगी और HRA भी होगा एज़ पर जो भी एप्लीकेबल है। और इसकी क्वालिफिकेशन है आपकी जो MSc है फॉरेस्ट्री में होनी चाहिए, या बॉटनी में, या तो MSc एग्रीकल्चर में। और जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो आपकी जो लद्दाख का अगर कोई कैंडिडेट है उसको दी जाएगी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट वहीं पे एप्लीकेबल है। जो दूसरी पोस्ट है वो आपकी ये जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की है ये भी, इसमें जो है आपकी 24,000 जो है इसकी आपकी रहेगी जो सैलरी है। और HRA भी इसमें है एप्लीकेबल जो भी सिटी के बेसिस पे, और MSc फॉरेस्ट्री बॉटनी और एग्रीकल्चर इसकी भी क्वालिफिकेशन है। तीसरा जो है आपका इसमें जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की एक पोस्ट है, ये आपकी इसकी भी सेम आपका वो रहेगा सैलरी रहेगी, और सेम ही इसकी क्या है आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। और कंप्यूटर एप्लीकेशंस में भी आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, मतलब आपको कंप्यूटर पे काम करने की भी नॉलेज होनी चाहिए। इन सब की जो आपकी इसकी जो थर्ड नंबर की जो पोस्ट है ये अप टू मार्च 2025 तक है, और जो सेकंड नंबर की ये जो पोस्ट है ये अप टू दिसंबर 2024 है। और जो चौथी पोस्ट है आपकी प्रोजेक्ट असिस्टेंट की ये पोस्ट है, इसमें आपके 19,000 रुपीज़ जो है फिक्स है इसकी जो सैलरी है, और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है MBSc बॉटनी, BSc फॉरेस्ट्री या BSc एग्रीकल्चर। और जिसने फील्ड वर्क किया हो और नर्सरी में जो काम करने की जो वो है इसको प्रेफरेंस देंगे अगर आपने काम किया है। फिर जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की एक पोस्ट है, इसकी भी सेम सैलरी है, ये दिसंबर 2024 तक है, और इसके लिए भी आपकी चाहिए MSc चाहिए फॉरेस्ट्री या बॉटनी में। फिर आपकी प्रोजेक्ट असिस्टेंट की निकली है 19,000, इसी आपका जो ये आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है NTFP का, थ्रू कंजर्वेशन एंड वैल्यू एडिशन। इसमें BSc बॉटनी फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर मांगा है। जबकि जो आपकी डेवलपमेंट ऑफ बायो पेस्टिसाइड बायो प्रोडक्ट्स का जो आपका प्रोजेक्ट है इसमें MSc जूलॉजी या MSc एंटोमोलॉजी मांगा है, और 24,000 रुपये पर मंथ इसकी आपकी पे रहेगी। नेक्स्ट जो है आपका असेसमेंट ऑफ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, चंबा में है ये प्रोजेक्ट इनका, ये अगस्त 2025 तक है, ये JPF की है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो, इसकी सैलरी आपकी 20,000 प्लस HRA है, और इसमें जो है MSc फॉरेस्ट्री या MSc बॉटनी इसमें इन्होंने मांगा है जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। और डिज़ायरेबल है कि अगर रिलेवेंट फील्ड में किसी ने काम किया है टिम्बर से रिलेटेड या फॉरेस्ट्री में, उनको ये प्रेफरेंस देंगे। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी प्रोजेक्ट असिस्टेंट की, दो पोस्ट हैं। अच्छा, ये जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की चार पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं, यहाँ पे दो पोस्ट। प्रोजेक्ट असिस्टेंट 19,000 इसकी रहेगी सैलरी, अगस्त 2025 तक ये आपका प्रोजेक्ट रहेगा, और इसमें मांगा है BSc फॉरेस्ट्री, BSc बॉटनी आपकी क्वालिफिकेशन है जो एसेंशियल है। फिर जो है नेक्स्ट आपकी प्रोजेक्ट असिस्टेंट की एक पोस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की एक पोस्ट है दूसरे प्रोजेक्ट में। और जो ये प्रोजेक्ट है आपका जिसमें प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोस्ट निकली, ये मार्च 2027 तक है, ठीक है। और जो ये प्रोजेक्ट है आपका दूसरा, इन्हेंसमेंट ऑफ ऑर्डर अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी रिड्यूस्ड सस्टेनेबल ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, ये जो प्रोजेक्ट है ये अप टू दिसंबर 2024 है। और जो इसकी जो आपकी जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की जो सैलरी है वो 24,000 प्लस HRA है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट की 19,000 फिक्स्ड है, और प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए BSc फॉरेस्ट्री या BSc मेडिकल मांगा है, जबकि आपका जो ये जूनियर प्रोजेक्ट फेलो है MSc बॉटनी MSc फॉरेस्ट्री इसके लिए क्वालिफिकेशन है। आपको क्या करना है, आपको जो आपका पोस्ट है रजिस्टर्ड पोस्ट या ऑर्डिनरी पोस्ट से, या बाय हैंड भी आप इनके ऑफिस में जमा करा सकते हैं, 10 जुलाई तक आपको फॉर्म भर के इनका, और इसके साथ जितनी भी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं आपकी
उनसे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है उनकी फ़ोटोकॉपी भी लगा के आपको सबमिट करना है 10 जुलाई तक, ठीक है। और जो इंटरव्यू है वो आपका क्या होगा, जितने भी सिलेक्टेड इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट हैं जिनकी क्वालिफिकेशन आपकी मतलब मैच करेंगी, वो 15 जुलाई को इंटरव्यू है 10:30 बजे इंस्टीट्यूट में, आप वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हो इंटरव्यू के लिए और अपना इंटरव्यू दे सकते हो, ठीक है। एज रिलैक्सेशन के लिए भी इन्होंने पॉइंट दिया है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और आपका जो एप्लीकेशन है वो आपको ऑफलाइन ही भेजनी, इन्होंने लिखा है एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन और ईमेल विल नॉट बी एंटरटेन एट एनी कॉस्ट, मतलब आपको फॉर्म भर के आपको इसको पोस्ट करना है। और अगर आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैच करती है आपकी तो आप इसको भर सकते हैं, 10 जुलाई तक आप इसको भेज सकते हैं और इंटरव्यू का डेट जो है आपकी 15 जुलाई है।